गुड इवनिंग एवरी वन एंड लेट स्टार्ट टूडे सेशन ऑन मिसलानियस फीलर्स और चूजिंग द अप्रोप्रिएट फीलर इट इज से ट्वेंटी एंड फ्रॉम वन टू ट्वेंटी फाइव आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टूडे एंड ऑल द क्वेश्चन हैव बिन टेकन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश डॉक्टर आर एस अग्रवाल एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिया इज़ नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब यहाँ एक मिस्टेक uh, देखने को मिल रहा है एरर है इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि काइंड ऑफ टाइप ऑफ और सॉर्ट sort ऑफ of के बाद काइंड ऑफ टाइप ऑफ और सॉर्ट sort ऑफ of के बाद हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है नो no आर्टिकल ही यूज करें कोई भी नाउन आए इसलिए यह ग्रामर के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है इसे नहीं होना चाहिए था हाँ। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता काइंड ऑफ टाइप ऑफ या शॉर्ट sort ऑफ of का प्रयोग जब एंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो ए आई एन का प्रयोग किया जा सकता है तो प्रिया इज नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब इस तरह के जॉब के लिए प्रिया डैश नहीं है तो यह क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से है कट इन बीच में टोकना या हस्तक्षेप करना कट इन बीच में टोकना या हस्तक्षेप करना कटअप काटना अब कटअप का कई जगह अर्थ रोप जमाना भी होता है जनरली काटना के अर्थ में हम इसका यूज़ करते हैं कट थ्रू कटौती करना शॉर्टकट अपनाना छोटा मार्ग ले लेना कट थ्रू होता है और कटआउट उपयुक्त होना सुटेबल होना तो ए बी सी और डी चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें डी जो है यहाँ पर सुटेबल है और इसके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन के रूप में फॉर मिलेगा मैं यहाँ फॉर लगा दे रहा हूँ हालांकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है यह भी संकेत था कि आंसर आपका डी ही होगा जब भी इस तरह के प्रश्न आए, तो अर्थ के आधार पर ही आप फील करें अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत होगी इसलिए बेहतर होगा कि जब भी आप इस इसेट को देख रहे हो कॉपी लेकर के बैठे और सबको नोट करें और फिर याद कर लें नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज टू ही लेफ्ट द बुक डैश द टेलीफोन वह किताब को टेलीफोन के डैश में छोड़ दिया लीव कर दिया लीव का रूप है लेफ्ट अब ए में अराउंड है अराउंड मींस होता है के चारों तरफ अराउंड मीन्स होता है के चारों तरफ बिसाइड मीन्स होता है के बगल में बिसाइड मीन्स होता है के बगल में बिसाइड्स का प्रयोग हम के अलावे या के अतिरिक्त के अर्थ में करते हैं और एट का पर के अर्थ में करते हैं तो मोस्ट सुटेबल क्या होना चाहिए तो ही लेफ्ट द बुक डैश द टेलीफोन बिसाइड द टेलीफोन वह किताब को टेलीफोन के बगल में रख दिया या छोड़ दिया नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री एंड इट इज द वेटर टूक द प्लेट्स डैश आफ्टर वी हैड फिनिस्ड यहाँ दो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं एक तो हमें टूक के साथ प्रपोजिशन भरना है दूसरा एक स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही खास है टेंस में आफ्टा के पहले अगर भी टू हो तो आफ्टर के बाद हमें हैड प्लस भी थ्री का यूज करना होता है यह टाइप भी आप लोग याद कर लें अगर आफ्टर के पहले भी टू हो तो आफ्टर के बाद हैड प्लस भी थ्री ही होता है तो यहां पर सब में आप टेक मान लें टेक क्योंकि टेक का ही रूप है टूक तो टेक अप, टेक अप मीन्स होता है लेना कोई डिफिकल्ट कोर्स में एडमिशन ले लेना अब इसी टेकअप का प्रयोग स्थान लेना के अर्थ में भी होता है जैसे द न्यू सेट ऑफ फर्नीचर टेक्सअप लॉर्ड्स ऑफ स्पेस इन दॉल तो टेकअप स्थान लेना टेकअप लेना और टेकअप का प्रयोग हम शुरू करना के अर्थ में भी करते हैं जैसे द मीटिंग टूकअप अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू करना टेक ऑफ का दो अर्थों में हम प्रयोग करते हैं एक होता है उड़ान भरना और इसका दूसरा अर्थ होता है जूता उतारना और यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है जूता उतारने के लिए लोग पुट ऑफ का प्रयोग कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है कपड़े उतारने में कोट उतारने में या पुट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन जूता के लिए बिल्कुल नहीं टेक अवे मीन्स होता है हटा लेना टेक अवे मीन्स होता है हटा लेना और टेक आउट मीन्स होता है बाहर ले जाना बाहर ले जाना प्लीज टेक मी आउट टू द न्यू रेस्टोरेंट तो वह वेटर क्या किया प्लेट को हटा लिया इसलिए आंसर थ्री का सी होगा नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज फोर ऑन योर स्क्रीन इट इज़ फोर्टीन ईयर सीन्स आई डैश हिम अब यहाँ हम सीन्स के बाद सीन्स के बाद टेंस भरने वाले हैं तो स्ट्रक्चर याद करें अगर सिंस के पहले इट इज का पैटर्न दिया हुआ हो और इट इज प्लस टाइम हो तो बाद में हमेशा भी टू ही यूज़ होता है और यहाँ भी टू क्या है तो ए में है क्योंकि सौ है बी में हैव सीन है सी में डिड सी है और डी में हैड सीन है तो जब भी इट इज़ प्लस टाइम का स्ट्रक्चर दिखे या अगर कोई एक्शन हुआ हो और वह प्रेजेंट परफेक्ट में हो सिंस कंजंक्शन ऑफ टाइम का काम कर रहा हो तो बाद में हम भी टू का ही प्रयोग करते हैं इट इज़ फोर्टीन ईयर्स सिंस आई सॉ हिम जब मैं उनसे मिला तब से चौदह वर्ष हो गए हैं इट इज़ फोर्टीन ईयर्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्टीन ईयर्स हैव पास्ड या फोर्टीन ईयर्स हैव इलैप्स सिंस आई सॉ हिम इसी स्ट्रक्चर को आप बदल करके लिख सकते हैं कि फोर्टीन ईयर्स हैव इलेप्स्ड अब आप यहां पास्ट भी लगा सकते हैं सिंस आई सॉ हिम कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में सौ का प्रयोग मिलने के लिए होता है मिलने देखने दोनों में ही यह बिल्कुल सुटेबल है तो आंसर फोर का फोर का ए होगा नाउ वी है आई वॉन्ट टू गेट डैश ऑफ सच सिचुएशन मैं इस तरह के सिचुएशन से डैश चाहता हूं तो गेट रीड ऑफ एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है गेट रीड ऑफ इट मींस छुटकारा पाना गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना अब ये सब सिंपल है सब आप जानते हैं तो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ जब भी ये कई बार पूछा जा चुका है देखिए अगर गेट है तो यहां हमने रीड भर दिया और कई बार मिलता है रीड ऑफ दिया रहता है और हमें भरना होता है वॉब तो जब वह भरने के लिए आए तो आप गेट का प्रयोग कर दें जब नाउन भरने के लिए आए तो आप रीड का हाँ ये जो आर डबल ईडी है इस रीड मीन होता है बाती डी आई इत्यादि में जो बाती हम डालते हैं उस बाती का अंग्रेजी रीड होता है नाउ द नेक्स्ट इज सिक्स एंड द क्वेश्चन इज इट इज मेनली ड्यू टू दैट द प्लान फेल डैश मेनली ड्यू टू देयर लेथार्जी उनके उन लोगों के आलस्य लेथार्जी मीन्स शिथिलता लेथार्जी मीन्स आलस्य खास तौर पर या मुख्य रूप से उन लोगों के आलस्य के चलते प्लान डैश कर गया तो यहाँ पर फॉल है यानी दूसरा रूप है उसका फेल है तो आप यहां मान लें कि फॉल है और फॉल के साथ ये सभी यूज हो रहे हैं तो फॉल ओवर गिर पड़ना जैसे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर पड़ा तो जब वह बैलेंस बिगड़ने से गिरा तो कहीं भी बैलेंस बिगड़ने से गिरने के लिए हम फॉल के बाद ओवर का प्रयोग करते हैं फॉल आउट झपट पड़ना अटैकिंग मूड में किसी के ऊपर झपटना फॉल आउट होता है झपट पड़ना या बाघ किसी जानवर के ऊपर टूट पड़े तो उस टूट पड़ने का अंग्रेजी भी फॉल आउट होगा आक्रमण करना फॉल थ्रू मीन्स असफल होना ये सब काफी महत्वपूर्ण है और प्रायः विद्यार्थियों का यह पार्ट वीक होता है आप सभी इसे याद कर लें फॉल थ्रू असफल होना और फॉल ऑफ एक अलग होना पेड़ इत्यादि पर से गिर जाना फॉल ऑफ होता है एका एक अलग होना को यह दर्शाता है या गिर जाना जैसे पेड़ पर से गिर गया छत पर से गिर गया तो गिर जाने का अंग्रेजी फॉल ऑफ होता है तो यहाँ बात प्लान की हो रही है कोई योजना है जो असफल हो गई है पास टेंस है तो योजना इत्यादि के असफल हो जाने के लिए फॉल के साथ हम थ्रू का प्रयोग करते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन एंड इट इज सी हैड जस्ट डैश डाउन वेन द टेलीफोन रैंक जब टेलीफोन की घंटी बजी तब वह अभी अभी डैश की थी तो सी हैड भर पर ध्यान दे हेड है यानी हमें यहां भीतरी देना होगा अब डाउन किसके किसके साथ लगेगा तो लेड अब अगर हम लेड के साथ डाउन लगा दें मैं बेसिक रूप लिख देता हूं ले डाउन ले डाउन तो इसका प्रयोग हम हथियार डाल देना के अर्थ में करते हैं ले डाउन हथियार डालना अब लेन जो है यह लाई का रूप है लाई ले लेन होता है तो लाई डाउन मीन्स पर जाना लेट जाना और इसी का यह रूप है लेन ले वही लाई का दूसरा रूप ले हो गया लाइड अब केवल लाई होता है जिसका रूप लाइड और लाइड होता है तो इस लाई मीन्स होता है झूठ बोलना लाई लाइमी झूठ बोलना इसका भी भीटू लाइड होता है और इसका भी थ्री भी लाइड होता है अब यहाँ पर एक और शब्द आपको दिख रहा है ले तो ले जब भीवन का काम करता है तब इसका अर्थ होता है अंडा देना अंडा देना रख देना भीवन भीटू दोनों का काम करता है यह रख देना या लेटा देना अंडा देना रख देना या लेटा देना नींव इत्यादि रखने में इसका प्रयोग करते हैं अंडा देने में किसी बीमार व्यक्ति को बिछावन पर लिटा देने स्ट्रेचर पर लिटा देने में हम ले का प्रयोग करते हैं और यह ले जब भी टू होता है तो लाई का दूसरा रूप लाई पर जाना मैं पहले बता चुका हूँ लाई का प्रयोग जब हम पर जाना या लेट जाना के अर्थ में करते हैं तब इसका भी टू ले होता है और इसका भी थ्री लेन होता है इसके भी फोर से भी प्रश्न आता है ध्यान देंगे यह लाइंग होता है यानी यह भी वन है यह भी टू है यह भी थ्री है और यह भी फोर है तो इस लाई से संबंधित सभी चीज़ों को आप यहाँ से याद करें तो वह अभी अभी लेटी थी जब घंटी बजी तो वह अभी अभी लेटी थी यानी लेटने वाले लाई का हमें हेड वहाँ लगा है तो भीतरी चाहिए इसलिए आंसर होगा लेन काफी कन्फ्यूजिंग होता है लेन लेड ले लाइड इत्यादि तो आप सभी इसे बारीकी से याद कर लें नाउ क्वेश्चन नंबर एट इज थिंकिंग दैट द अदर कैंडिडेट वॉज मोर डिजर्विंग फॉर द पोस्ट आई डैश इन हिज फेवर यह सोच करके कि जो अन्य कैंडिडेट है जो दूसरा कैंडिडेट है वह अधिक डिजर्व करता है अधिक योग्य है पोस्ट के योग्य है आई डैश इन फेवर तो मैं उसके फेवर में डैश कर दिया स्टैंड डाउन भीवन आप याद करेंगे आप इसे स्टैंड समझें स्टैंड डाउन मीन्स होता है बैठ जाना जैसे चुनाव इत्यादि में खड़े हुए नॉमिनेशन करा दिए और फिर बाद में किसी के सपोर्ट में बैठ गए तो वो बैठ जाना है स्टैंड डाउन होता है यहाँ यही सिचुएशन आ रही है इसलिए आंसर स्टूड डाउन होगा उसके फेवर में मैं बैठ गया स्टैंड आउट एक फ्रेजल वॉब है स्टैंड आउट और स्टैंड आउट मीन्स होता है उत्कृष्ट होना यानी सबसे भिन्न होना सबसे अलग होना बेहतर होना बढ़िया होना उत्कृष्ट होना स्टैंड ओवर स्टैंड ओवर होता है नजदीक से निरीक्षण करना नजदीक से निरीक्षण करना ऑब्जर्व करना जो कुछ घटित हो रहा है या जो कुछ बदलाव इत्यादि आ रहे हैं उसे स्टैंड ऑफ गतिरोध दो दलों के बीच ऐसा झगड़ा जो किसी मसले को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है उसे स्टैंड ऑफ कहा जाता है यह नाउन और वॉब दोनों रूपों में यूज होता है तो आंसर स्टूड डाउन होगा क्योंकि सेंस यहां पास्ट का है आप देख रहे हैं वोज का प्रयोग हुआ है तो पहले पास्ट है तो बाद में पास्ट ही होगा इसलिए आंसर होगा स्टूड डाउन नाउ द क्वेश्चन नाइन इज दिस बिल्डिंग कॉम्फ्राइजेस डैश सिक्सटी रूम्स अब गलती से लेखक ने आंसर यहाँ ऑफ लिखा था लेकिन मैं आप सभी को बताऊं कि प्रेपोजिशन यहाँ लगेगा ही नहीं क्योंकि कॉम्प्राइज का अर्थ होता है से मिलकर बना होना और मैं आपको बता दूं कि जब कभी कॉम्प्राइज़ के बाद ऑफ़ मिले तो आप काट दें और इसी अर्थ में से मिलकर बना होना के लिए कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा हाँ कॉम्प्राइज अगर पैसिव में यूज हुआ हो तो उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं वह एक अलग बात है तो दिस बिल्डिंग कॉम्प्राइजेड सिक्सटी रूम्स यानी इस बिल्डिंग में सिक्सटी रूम्स हैं साठ कमरे हैं यहाँ हमें किसी भी प्रेपजेशन की ज़रूरत नहीं है और भूल करके आप ऑफ़ का प्रयोग यहाँ न करें हाँ अगर कंसिस्ट्स होता तो हम निश्चित तौर पर ऑफ का प्रयोग करते तो नो प्रेपोजिशन आप देंगे याद करेंगे इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इज हियर एंड इट इज सी ऑलवेज रन शॉर्ट ऑफ मनी टू रन शॉर्ट ऑफ मनी पैसों की तंगी होना टू रन शॉर्ट ऑफ मनी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फ्रेजल वर्ब्स सब कुछ मिलने वाले हैं आपको आज के इस सेट में लास्ट तक ज़रूर देखें सेट को अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं अंग्रेज़ी को मजबूत मजबूत करना चाहते हैं तो बिल्कुल लास्ट तक सेट को देखें और देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कमेंट करके बताएं आपको यह सेट कैसा लगा इस एक्सप्लेनेशन से आपको क्या लाभ मिल रहा है ज़रूर कमेंट करके आप बताएं आपके कमेंट से मुझे आगे के वीडियो बनाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी तो रन शॉर्ट ऑफ की कमी होना या की तंगी होना वर्ब के रूप में की कमी होना आप यूज करें मनी आए तो मनी यानी पैसों की तंगी को दर्शाएगा इसलिए रन शॉर्ट यहां था तो ऑफ का ही प्रयोग हम करेंगे तो आंसर होगा ए एंड नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन इज सुनीता डिसाइडेड टू सेट सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर्स सुनीता ने डिसाइड किया कि वह प्रतिदिन कुछ समय प्रेयर को देगी यानी प्रार्थना में लगाएगी कुछ समय तो सेट है आपके सामने वब यहां अभी सेट के लिए हमें फ्रेजल वब यूज करना है सपोज कि यहां पर सेट है और हम सभी सेट के साथ यूज कर रहे हैं सेटअप स्थापित करना सेटअप स्थापित करना खोलना है, स्कूल कॉलेज कोचिंग इत्यादि दुकान खोलना स्थापित करना शुरू करना इस सब में आप सेटअप का प्रयोग करें कोई प्लांट वगैरह लगाते हैं वहाँ भी आप सेटअप का प्रयोग उद्योग कोई भी लगाते हैं सेटअप का प्रयोग करें सेट इन आरंभ होना बहुत सारे विद्यार्थियों का यह पोर्सन बहुत ही कमज़ोर होता है लेकिन मैं कंटिन्यू फीलर्स कराऊंगा अभी प्रत्येक दिन मैं फीलर के सेट को अपलोड करूंगा और मेरा दावा है कि आप प्रतिदिन के सेट को देखें और याद करें तो आप काफ़ी मजबूत होंगे सेट इन आरंभ करना सॉरी आरंभ करना नहीं आरंभ होना इसका प्रयोग हम किस लिए करें तो जब कोई ऋतु जब कोई सीजन आरंभ होती है तो हम सेटिन का प्रयोग करते हैं ईश्वी के लिए ईश्वी के लिए हम सेटिन का प्रयोग करते हैं कोई भी मौसम बदलाव में हो तो वहाँ भी हम सेट इन का प्रयोग करते हैं यानी इस तरह के स्थिति में आप सेटिन का यूज़ करें सेट ऑन सेट ऑन मीन्स होता है आक्रमण कर देना धावा बोल देना सेट ऑन आक्रमण करना सेट अपॉन भी होता है आक्रमण करना और सेठ एसाइड मीन्स होता है रद्द करना सेट एसाइड मीन्स रद्द करना और इसी सेट एसाइड मीन्स होता है बचाना तो यहाँ समय बचाना समय निकालना के अर्थ में यह आ रहा है तो सुनीता ने डिसाइड की कि वह प्रत्येक दिन कुछ समय निकालेगी प्रार्थना के लिए प्रेयर्स के लिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज ट्वेल्व हियर दीड टू पे कॉम्पेंसेशन डैश डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल सरकार एग्री हुई सहमत हुई किस चीज के लिए तो कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए कॉम्पेंसेट वर्ब का नाउन होता है कॉम्पेंसेशन एंड कॉम्पनसेशन मीन्स मुआवजा कॉम्पेंसेशन मीन्स क्षतिपूर्ति मुआवजा उर्दू में कहते हैं हिंदी में उसे हम क्षतिपूर्ति कहते हैं तो दी गवर्नमेंट अग्रीड टू पे कॉम्पनसेशन डैश डैमेज क्रॉप्स यहाँ थोड़ा टाइपिस्ट की गलती हुई है डी कैपिटल नहीं होना चाहिए डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल मवेशियों का जो नुकसान हुआ भूमि का जो नुकसान हुआ और फसलों का जो नुकसान हुआ उसके लिए भरपाई के लिए सरकार तैयार हो गई है तो कॉम्पेंसेट हो चाहे कॉम्पेंसेशन हो दोनों ही स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करते हैं आप सभी जानते हैं कि कॉम्पेंसेट भरव होता है क्षतिपूर्ति करना तो यह वर भी अपने साथ प्रेपोजिशन फॉर ही लेता है और यह कॉम्पेंसेशन नाउन भी अपने साथ प्रजिशन फॉर ही लेता है याद करने की चीज है तो आंसर बारह का बी होगा एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज हियर द बुआ यू मेट यस्टरडे इज इन क्लास इट्स वेरी सिंपल एंड इट इज सो सिंपल जिस बुआ से आप मिले कल इज इन क्लास डैश वह डैश क्लास में है तो अगर क्लास पहले आ गया तो बाद में हमें नाइन का प्रयोग करना होगा नहीं तो नाइन्थ कब लगाते तो इज इन तब लिखते हम कि क्लास ऐसे लिखते तो नाइन्थ होता लेकिन क्लास पहले आ गया तो हमें नाइन का प्रयोग करना होगा बाकी सभी अननेसेसरी हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है नाउ फोर्टीन इज हियर एंड इट इज देअर सम सम्यूजन डैश द अग्रीमेंट अब कन्फ्यूजन के साथ प्रेपजिशन क्या लगाएं तो किसी भी चीज़ के ऊपर कन्फ्यूजन होती है हमें तो कन्फ्यूजन के साथ हम हमेशा सा ओवर का प्रयोग करते हैं कन्फ्यूज़न ओवर कन्फ्यूज भर्व का नाउन होता है कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन मीन्स दुविधा कन्फ्यूज भर्व से यह कन्फ्यूजन बना हुआ है कन्फ्यूज़ भ्रमित करना दिग्भ्रमित करना भ्रम में डाल देना इसका नाउन होता है कन्फ्यूजन तो आंसर ओवर होगा कन्फ्यूजन ओवर होता है 14 का आंसर डी होगा सभी चीजें याद करने वाली हैं सेट को बार बार सुने और बार बार सुनने से सभी चीजें याद हो जाएंगी तर्क आप जब सुनेंगे तो बिल्कुल याद रहेंगी स्पीक लाउडली एज ही इज स्लो डैश हियरिंग जोर से बोलो क्योंकि एज मीन्स क्योंकि अब कई बार विद्यार्थी एज का अर्थ केवल जैसे के अर्थ में निकालने लगते हैं जब यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है तब इसका अर्थ क्योंकि जब यह दो क्लॉज को जोड़ता है तो यह स्का अर्थ प्राय क्योंकि होता है तो स्पीक लाउडली जोर से बोलो क्योंकि ही इज स्लो ऑफ हियरिंग वह ऊंचा सुनता है स्लो ऑफ हियरिंग ऊंचा सुनना वह ऊंचा सुनता है तो स्लो ऑफ हियरिंग यानी वो ए लिटिल बिट डेफ है थोड़ा जोर से बोलो लिटिल विथ डेफ है वह इसलिए आंसर होगा फिफ्टीन का डी नाउ नेक्स्ट इज सिक्सटीन एंड इट इज विल यू डैश माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर जब मैं टूर पे होऊंगा तो क्या आप मेरे डॉग की डैश करेंगे अब यहाँ भी देखिए एक तरफ फ्यूचर का प्रयोग हुआ तो दूसरे तरफ प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आया ये भी ध्यान देने की चीज है तो लुक आउट लुकआउट मीन्स होता है चौकसी करना चारों तरफ नज़र घुमाना चौकसी करना निगरानी करना चारों तरफ नज़र फेरते रहना लुकआउट होता है लुकअप तरक्की करना लुकअप मीन्स प्रोग्रेस लुकअप मीन्स तरक्की करना लुक ऑन दर्शक की भांति देखते रहना खास तौर पर इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई घटना घट रही होती है और राहगीर दर्शक की भांति देखते रह जाते हैं दर्शक की भांति देखते रहना जैसे कोई किसी को पीट रहा है मार रहा है कोई किसी लड़की को छेड़ने का प्रयास कर रहा है छेड़ रहा है और वहाँ दर्शक की तरह राहगीर देख रहे हैं तो वहाँ लूकऑन का प्रयोग होता है दर्शक की भांति देखते रहना लुक आफ्टर देखभाल करना लुक आफ्टर देखभाल करना अब इसमें एक दो मैं बढ़ा दूं आपके लिए नहीं फिर आगे के सेट में मिलेगा ही चलिए हम लोग आगे के सेट में देखेंगे जरूर मिलेगा सब कुछ जो यहां नहीं आया है लुक वाला वो सब आ जाएगा तो यहां विल यू लुक आफ्टर माई डॉग क्या आप मेरे कुत्ते की देखरेख करेंगे जब मैं टूर पे होऊंगा इसलिए यहाँ लुक आफ्टर की ज़रूरत थी सबको याद करें आप लोग सेवनटीन सविता इज डिसगस्टेड डैश हैबिट्स ऑफ हर हजबेंड सविता अपने हजबेंड्स के आदतों से डैश हो गई है ऊब चुकी है तंग आ चुकी है तो डिसगस्टेड के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन विद लगता है इसलिए अब विध हमें देख लेना है तो सेवनटीन का सही होगा यह इतना हल्का चीज होता है ना अगर आपको याद है तो बिल्कुल सौ प्रतिशत आपका आंसर सही होगा और बिल्कुल कम समय आपको लगेगा नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर एटीन एंड इट इज एवरी मैन क्रेब्स डैश रिकॉग्निशन हर व्यक्ति रिकॉग्निशन के प्रति लालायित रहता है कि इच्छा रखता है अब क्रेव का प्रयोग डिजायर फॉर के अर्थ में करते हैं क्रेव का प्रयोग हम डिजायर फॉर के अर्थ में करते हैं और जब यह ट्रांजिटिव वॉब का काम करता है क्रेव ट्रांजिटिव वॉब तो अपने साथ प्रैपजन नहीं लेता है और इस क्रेव मीन्स होता है डिमांड मांगना किसी चीज को मांगना डिमांड करना क्रेव होता है तो क्रेव एक ऐसा वब है जिसके साथ प्रेपजिशन फॉर भी लगता है और आफ्टर भी लगता है और यहाँ एक बड़ी परेशानी है कि ऑप्शन में हमको फॉर भी दिख रहा है और आफ्टर भी दिख रहा है क्रेव के साथ फॉर का प्रयोग भी बिल्कुल सुटेबल है और आफ्टर का प्रयोग भी बिल्कुल सुटेबल है तो यह डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है बल्कि मैं कहूँगा कि ज्यादातर लोग क्रेव फॉर का प्रयोग करते हैं कुछ परसेंटेज लोग ही क्रेव आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो ज्यादातर के फेवर में हमें हमेशा रहना चाहिए इसलिए क्रेव फॉर वुड बी बेटर हियर यह बेहतर होगा क्रेव आफ्टर के प्रयोग से भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज नाइनटीन हियर डैस यू मीट माई सन इन मार्केट आस्क हिम टू कम होम एट वंस दैस यू मीट माई सन इन दी मार्केट यदि बाजार में यदि देखिए यहाँ अर्थ निकल रहा है यदि यदि बाज़ार में आपकी मुलाकात मेरे बेटे से हो तो आस्क हिम टू कम होम एट वंस उसे बोल देंगे कि वह तुरंत घर आ जाए यदि यानी यहाँ ईफ चाहिए हमें अब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में ईफ है नहीं तो आप सभी जानते होंगे और मैंने अपने विद्यार्थियों को क्लासरूम में बिल्कुल बताया है कि सूड का प्रयोग हम इफ के अर्थ में भी करते हैं और जब ऑप्शन में इफ ना हो तो आप एकदम आसानी से बेहिचक सूड को सेलेक्ट करें तो आंसर 19 का सी होगा सूड का प्रयोग इफ के अर्थ में भी होता है और यहां यह इफ का ही काम कर रहा है यानी यह कंजंक्शन का काम कर रहा है यहां पर नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी संजय वॉज सियो दैस गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेसन संजय स्योर था कि वह एग्जामिनेशन में प्रथम क्लास प्राप्त करेगा यानी प्रथम दर्जे में अव्वल होगा श्रेणी प्रथम श्रेणी में वो पास करेगा तो सीओ sure के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम ऑफ का यूज़ करते हैं सियो ऑफ गेटिंग समथिंग होता है आंसर ऑफ दिख रहा है याद करें कि सियोर sure के बाद हमें हमेशा ऑफ का प्रयोग करना है तो ट्वेंटी का आंसर बी होगा नाउ इट इज ट्वेंटी वन एंड इट इज सी सिम्स ऑफेंडेड डैश माई रिमार्क्स ऑफेंडेड बाई अ पर्सन ऑफेंडेड एट समथिंग दोनों याद करेंगे टू बी ऑफेंडेड टू बी ऑफेंडेड बाई अ पर्सन और टू बी ऑफेंडेड एट समू बी अफेंडेड बाई अ पर्सन टू बी अफेंडेड एट समथिंग तो यहां पर पर्सन की बात नहीं है रिमार्क्स की बात है टिप्पणी की बात है इसलिए आंसर एट होगा ट्वेंटी वन का डी एंड नाउ वी हैव ट्वेंटी टू एंड द क्वेश्चन इज द माउंटिंग प्रेसर वॉज सो ओवर वेल्मिंग दैट ही अल्टीमेटली डैश टू हर विश अब ये ही के साथ हर कैसे लग गया तो या तो यहाँ सी होना चाहिए और नहीं तो यहाँ हमें हीज करना पड़ेगा खैर द माउंटिंग प्रेसर वॉज सो ओवर यानी दबाव इतना प्रचुर हो रहा था इतना अधिक मात्रा में दबाव उसके ऊपर आ रहा था कि अंततः वह अपने विष को डैश कर दी फीमेल के लिए यूज करें सी हमने मान लिया यहाँ सी अल्टीमेटली डैश टू हर विश वह अपने इच्छा को जो उसकी कामना थी जो उसकी इच्छा थी उसको वह त्याग दी छोड़ दी यही होगा तो एग्रीड के साथ इन का प्रयोग ही नहीं होता है कोवेड इन होता है सब शब्द है काऊ सी डब्ल्यू आप जानते हैं गाय बिल्कुल सही जानते हैं आप लेकिन जब हम काउ का प्रयोग वॉब के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है डराना अब किसी को डरा करके अपनी बात मनवा लेना अपने आज्ञा का पालन करा लेना ये काउ होता है तो यहाँ काउड भी नहीं होगा गेव इन गेव इन होगा क्योंकि गेव इन मीन्स होता है हार मान लेना और प्रयास छोड़ देना हार हार मानकर हार मानकर प्रयास छोड़ देना यानी किसी चीज के लिए आप लगातार अटेम्प्ट कर रहे हैं और अब आप हार मान लिए नहीं होगा मेरा मैं छोड़ देता हूँ तो वहाँ गेव इन का प्रयोग गिव इन का प्रयोग हम करते हैं यील्ड के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है इसलिए यह भी नहीं होगा एक ही करेक्ट आंसर यहाँ मिल रहा है हमें और वह है गेव इन सी अल्टीमेटली गेव इन टू विश यानी जो उसकी इच्छा थी जो उसकी कामना थी वह उसे त्याग दी छोड़ दी यानी सरेंडर कर दी हार मान ली

नेक्स्ट वन इज वॉस योर हैंड डैश वॉटर तो वॉट योर हैंड्स विद वोटर यानी पानी से अपने हाथ धो लू तो बिल्कुल सिंपल था विद वॉटर होगा विद साधन को बताता है स्रोत को बताता है नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट एंड इट इज नो यूज डैश टू कम नाउ ही इज वेरी बिजी उसे अब यहां पर एक यूज शब्द जो है संकेत दे रहा है क्योंकि इसके पहले ये इज आप देख रहे हैं तो टू बी नो यूज टू बी नो यूज या टू बी नो गुड इन दोनों का प्रयोग हम बेकार के अर्थ में करते हैं और इनके बाद हमेशा जेरन जाता है इनका प्रयोग हम बेकार के अर्थ में निरर्थक के अर्थ में यूजलेस के अर्थ में करते हैं अब ध्यान देंगे यूजलेस के बाद टू प्लस भी वन होगा लेकिन टू तो बी नो यूज और टू तो बी नो गुड के बाद हमेशा जेरनड आएगा तो यहाँ पर टू बी यानी इज दिख रहा है नो यूज दिख रहा है यानी आंसर जेरनड ही होगा तो आंसर यहाँ बी दिया हुआ है जिसमें आस्किंग है पहले तो इट इज़ नो यूज आस्किंग हिम टू तो कम नाउ उसे अभी आने के लिए कहना बेकार है क्यों तो ही इज वेरी बिजी वह बहुत ही व्यस्त है तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के इस सेट को मैंने एक्सप्लेन किया और चूंकि आप जानते हैं कि क्लास रोज़ लाइव चलता है लेकिन नेटवर्क की परेशानी के चलते आज लाइव नहीं हो पाया हूँ और हुआ भी था तो सभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए तो मैं इस वीडियो को आप तक इस माध्यम से भेज रहा हूँ आप सभी से पढ़ें याद करें सभी चीज़ों को नोट करें और फिर हम लोग रोज़ लाइव रहेंगे आठ बजे के समय में और जो भी परेशानियाँ हैं उसे तुरंत मैं दूर करूंगा प्रयास में मैं लगा हुआ हूं दूसरी बात कि ऐप भी आ चुका है आप सभी ऐप को डाउनलोड करें और हमेशा उस पर मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों का और एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पर मिलेगा तो इसी के साथ आज का यह सेशन कंप्लीट होता है ओके थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू